आज हम बात कर रहे हैं ओप्पो के इस लेटेस्ट लॉन्च के बारे में, जो है ओप्पो F23 5G फोन। इसकी हर वो खास चीज आपके साथ आज शेयर करेंगे। देखिए पूरा वीडियो iBiz24 गैजेट्स पर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी अनबॉक्सिंग। ओप्पो F23 5G की यहाँ पर ब्रांडिंग है, बॉक्स आपको मिल जाएगा वाइट कलर का। तो ओप्पो की जो पहले वाइब्रेंट कलर्स टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे वो यहाँ पर बहुत ही पीसफुल अमेजिंग पैकिंग के साथ उन्होंने शुरुआत की है इस मॉडल की। तो ये हमारा खुल रहा है ओप्पो F23। सबसे पहले आ जाता है एक और बॉक्स। बॉक्स के अंदर है यहाँ पर केस काफ़ी स्टर्डी है, उसके अलावा कुछ बुकलेट्स एंड सिम इजेक्टर। इसको हम साइड में रख देते हैं। फिर आता है हमारा फ़ोन। तो यहाँ पर है फ़ोन। लेट्स हैव द फर्स्ट लुक ऑफ द फ़ोन। नाइस। तो ये है हमारा गोल्डन कलर। यहाँ पर हमारे को ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल गया है एंड देन ग्लॉसी फिनिश है। ओप्पो की ब्रांडिंग है यहाँ पर, इसके बारे में और बातचीत करेंगे। उसके पहले हम इसके चार्जर को देख लेते हैं, यहाँ पे चार्जर किसना है। तो चार्जर हमें यहाँ पे मिल रहा है सुपरवॉक टेक्नोलॉजी के साथ, 80 वॉट्स का चार्जर है। तो मुझे लगता है काफ़ी फास्ट चार्जिंग रहेगी एंड 5000 mAh की बैटरी भी है इसके अंदर एंड ये चार्जिंग केबल। चलिए इसे भी साइड कर देते हैं और पूरा कॉन्सेंट्रेशन लाते हैं हमारे इस स्मार्ट से सुंदर दिखने वाले फ़ोन के ऊपर, एंड वो है ओप्पो का F23। तो हमारे हाथ में फाइनली है ओप्पो F23। दिखने में बहुत ही अमेजिंग, अगर आप ग्लॉसी फिनिश चाहते हैं अपने हाथ में। लेकिन देखिए आप यहाँ पे फिंगरप्रिंट का कोई भी स्कैन नहीं हो रहा है, राइट? तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट के कोई भी प्रिंट्स यहाँ पर नहीं आ रहा है, राइट? जो एजेस हैं इसके वो फ्लैट है। अब हम बटन्स की प्लेसमेंट देख लेते हैं। यहाँ पर है हमारा ऑन ऑफ बटन, उसके अलावा यहाँ पर है हमारे पास 3.5 mm का जैक, चार्जिंग स्लॉट एंड स्पीकर्स। उसके अलावा वॉल्यूम रॉकर्स इस साइड पे दिए गए हैं एंड सिम आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अगेन इट इज़ अ हाइब्रिड सिम स्लॉट। यहाँ पर हमारे पास माइक्रोफोन्स हैं। कैमरा को अगर हम देख लेते हैं यहाँ पर, तो कैमरा है हमारा पंच होल कैमरा एंड बेजल आप देख सकते हैं बहुत ही कम बेजल दिया हुआ है, हल्का सा एकदम है नीचे। तो दैट इज़ वेरी नाइस प्लेसमेंट। ओवरऑल फ़ोन है हाथ में, थोड़ा सा हैवी लग रहा है मुझे, ऑलमोस्ट 200 ग्राम्स के आसपास होगा, लेकिन है पकड़ने में काफ़ी हैंडी एंड स्टर्डी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। तो इसमें है हमारे पास स्मार्ट वाला क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695, जो है ऑक्टाकोर प्रोसेसर के साथ आपको 8GB रैम भी मिल जाएगा इसके अंदर। अब हम बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की। डिस्प्ले जो है वो 6.72 इंचेस का है, लेकिन एमोलेड स्क्रीन नहीं है इसमें, वो है LCD स्क्रीन। रिफ्रेश रेट आपको मिल जाएगा 120 हर्ट्ज़ का। बेजललेस है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। एंड उसके अलावा जो सिम स्लॉट्स है वो आपको हाइब्रिड मिल जाएंगे नैनो सिम के साथ। 5G सपोर्टेड है। 256GB इंटरनल स्टोरेज आपको मिल जाएगा, जो एक्सटेंड कर सकते हैं आप 1TB तक। जहाँ तक कैमरा की बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल रहा है 64 MP का, जो कि वाइड एंगल के साथ आता है। 2 MP का डेप्थ कैमरा मिल जाएगा एंड 2 MP का मैक्रो कैमरा मिल जाएगा। उसके साथ LED फ्लैश लाइट भी है। जहाँ तक हम वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करते हैं, तो हमें फुल HD मिल जाएगा 30 FPS के ऊपर। एंड फ्रंट कैमरा की बात करते हैं, तो फ्रंट कैमरा मिल जाएगा हमें 32 MP के अंदर एंड वो भी वाइड एंगल लेंस के साथ। वीडियो रिकॉर्डिंग अगर फ्रंट कैमरा से बात करें तो फुल HD मिल जाएगी, लेकिन सिर्फ 30 FPS पर ही, 60 FPS इसमें मिसिंग है। तो ये था हमारा ओप्पो F23 5G। देखा आपने, काफी सारे फीचर्स के साथ है, लेकिन मार्केट में इस बजट में 25,000 के आसपास लेटेस्ट लॉन्चेस में आपको काफी सारे फोन अब मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली मुझे लगता है आप रियलमी या वीवो पे भी देख सकते हैं इसके कंपैरिजन। हमने बहुत सारे ऐसे कंपैरिजन वीडियोस और न्यू लेटेस्ट लॉन्चेस के बारे में हमारे वीडियोस में बताया है। आप सारे वीडियोस हमारे चैनल iBiz24 गैजेट्स पे देख सकते हैं। टिल देन मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट टाइम लेकर ढेर सारे वीडियोस, अपडेट्स एंड गैजेट्स आपके लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।